अयोध्या में राम मंदिर बनने से यहाँ के खान पान में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जो महंगे होटल हैं वो 3 स्टार 5 स्टार जो बनेंगे वही महंगे रहेंगे और नॉर्मली सब ऐसे ही है। और स्ट्रीट फूड को लेके, खाने की वैरायटी को लेके क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा? अच्छी है। क्या मतलब जैसे पहले था पहले से अब में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला? बहुत सा बदलाव हुआ है, जैसे जहाँ ठेले लगते थे अब स्ट्रीट फूड लाइन से लगते हैं, कायदे कानून से चल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ अयोध्या में क्या बदलाव देखने को मिला है खान पान को लेके जब से राम मंदिर निर्माण हुआ है? बहुत भव्य बदलाव लग रहा है, तमाम तरीकों के नाना प्रकार के व्यंजन यहाँ बनाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कम सस्ते दामों में गरीबों के लिए भी और बड़े बड़े होटल यहाँ खोले जा रहे हैं और भी सारी चीज़ें, बहुत व्यवस्थाएं पहले से बहुत ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है इन सब चीज़ों पे। रेट बढ़ाए गए हैं श्रद्धालुओं को देखते हैं, संख्या को देखते हैं, क्या रेट में परिवर्तन हुआ है कि कुछ महंगा हो गया है चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, अमीरों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, अपने सुविधा अनुसार अपने बजट के अनुसार हर व्यक्ति के पास जो है हर चीज की व्यवस्था यहाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेट बहुत ज्यादा है, कम भी है ज्यादा भी हर जगह। हाँ मिल सकता है, मिलेगा, फ्री भी सेवा है मंदिर के तरफ से, टैक्स के तरफ से फ्री भी खाना पीना सेवा है, भंडारा टाइप चल रहा है हमारे सबके यहाँ फ्री महाटन के तरफ में, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, चाय पानी की वहाँ व्यवस्था फ्री निःशुल्क। यहाँ पे सबसे ज्यादा बस जो है इलेक्ट्रॉनिक बस, इसकी व्यवस्था बहुत, 150 लगभग 150 बसें आई हुई हैं जो गरीब भी उससे क्या सफर कर सकता है। हाँ 10 रुपए 20 रुपए मंदिर पर पहुंचने के लिए सब बस योगी जी ने किया, बहुत बहुत उनको धन्यवाद योगी जी की। पहले क्या सुविधाएं थी? पहले इतना नहीं थी, जब से योगी जी का शासन है तब से बहुत व्यवस्था हो गई है जी। और पहले कैसे जाना होता था? इधर से पहले जाना होता था तो 4 जगह टेम्पू बदलना पड़ता था तो मंदिर पर पहुंचते थे, अब डायरेक्ट अयोध्या जो बस महानगर की चली है डायरेक्ट वहां पहुंचा दे रहे हैं। बन गया अतल मेटा यहाँ पे, बढ़िया टाइप का अतल मेटा वर्ल्ड का, और पूरा नया घाट पूरा तैयार हो गया सही से, अतल मेटा राम पैड़ी तैयार हो गई है, श्रद्धालु बढ़ गए हैं, अतल मेटा रोजगार बढ़ गया है, कई चीजें। ये तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, सारे श्रद्धालु बढ़ गए, बहुत सारे बदलाव देखने आ रहे, तो जिसको जो समझ में आया, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं है, महंगाई बढ़ी है, बस यही बदलाव है। व्यापार में तो बढ़ोतरी हुई है, खान पान के लिए ही सारे होटल जो है सारे डिश बनने लगे, पहले नॉर्मल था अब अच्छा हो गया सारा चीज, काफी बदलाव हुआ, काफी बदलाव हो गया। सर जैसे आपको क्या देखने को मिला है? नहीं, हम लोग लोकल ही हैं, सारा चीज देख रहे हैं घूम के, जितनी काफी बदलाव हुआ, खाने का सब कुछ अच्छा, व्यवस्था है यहाँ पे, रोड बदल गई है, सारी व्यवस्था अच्छे से हो रही है। आप, आपका नाम? रोशनी। खाने को लेके क्या बदलाव आया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद? पहले के तरीके है सब कुछ, बस केवल रोड मतलब नया विकास हो गया है रोड का, तो मतलब सब सही से हो गया है, और वही रेट मतलब वही है पुराना वाला रेट है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला? नहीं, जैसे पहले था वैसे ही चल रहा। यस, आपको क्या कहना चाहेंगी अयोध्या में खान पान को लेके क्या बदलाव आया है? सड़कों पे जो पहले मिलते थे अब किस तरह मिलने लगे? अब भी वैसे ही मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया गया है। और होटल और ये सब जो पहले के मुकाबले अब किस तरीके से है? अब भी वैसे ही है, बाकी थोड़ा अच्छा सा बदलाव कर दिया गया है, विकास हो गया है, संख्या बढ़ गई है होटल मतलब? हाँ, होटल की संख्या बढ़ गई है। हाँ, आपका नाम? सालनी है। तो आप ये बताइए अयोध्या में जैसे खाने की वैरायटी के साथ साथ क्या अयोध्या में आपको चॉइसेस भी ज्यादा मिल गई है खाने की? हाँ, मिल गई है। जैसे पहले से अब आप क्या बदलाव महसूस कर रही हैं खाने पीने को लेकर? बहुत सारे बदलाव हुए हैं, सारे बदलाव नई नई वैरायटी आ गई है।